फिल्म इंडस्ट्री में कहते हैं सब नाम का ही खेल है और सेलेब अपना नाम बनाने के लिए हर दम कोशिश करता है। लेकिन फिर भी इंडस्ट्री में ऐसे कई सेलेब्स हैं जो सिर्फ अपने स्टार्टिंग के नाम से जाने जाते हैं, यानी उनका सरनेम फेमस नहीं है या फिर वो खुद ही इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस लिस्ट में गोविंदा से लेकर रजनीकांत तक शामिल हैं। इस पैकेज में आपको ऐसे ही 10 सेलेब्स के बारे में बताएंगे जो सिर्फ अपने इनिशियल नेम से जाने जाते हैं। रजनीकांत नाम को आपने कभी सरनेम के साथ नहीं सुना होगा, क्योंकि रजनीकांत नाम असली नहीं है। दरअसल रजनीकांत का असली नाम शिवाजी राव गायकवाड़ है। रजनीकांत ने कई फिल्मों में अपना ये नाम भी इस्तेमाल किया है, हालांकि फिल्मों के लिए ही रजनीकांत ने अपना असली नाम बदल लिया था। गोविंदा का पूरा नाम गोविंदा अरुण आहूजा है, लेकिन वो सिर्फ गोविंदा के नाम से ही जाने जाते हैं। बहुत कम जगहों पर ही आपने गोविंदा का पूरा नाम पढ़ा या फिर सुना होगा। दरअसल गोविंदा को अपना नाम काफी लंबा लगता था, इसलिए फिल्मों में आने के पहले ही उन्होंने सिर्फ गोविंदा नाम ही शुरू कर दिया था। काजोल का पूरा नाम काजोल मुखर्जी है। काजोल की माँ तनुजा मुखर्जी हैं, जो अपने में काफी जाना पहचाना नाम है। काजोल को अपने नाम के साथ में मुखर्जी थोड़ा अटपटा लगता था, जिस वजह से उन्होंने मुखर्जी नहीं इस्तेमाल करने का फैसला किया, जिसके चलते करीबन हर जगह पर आप सिर्फ काजोल ही पढ़ेंगे, काजोल मुखर्जी नहीं। धर्मेंद्र का असली नाम धर्म सिंह देओल, लेकिन धर्मेंद्र को ये नाम बॉलीवुड मुताबिक नहीं लगा तो उन्होंने अपना नाम धर्मेंद्र कर लिया। धर्मेंद्र अपने नाम के साथ देओल नहीं इस्तेमाल करते हैं, जबकि उनके बच्चे अपने नाम में देओल इस्तेमाल करते हैं, जैसे सनी देओल और बॉबी देओल। तमन्ना साउथ इंडस्ट्री का बड़ा नाम है। बॉलीवुड में उन्हें फिल्म बाहुबली से फेम मिला। तमन्ना का पूरा नाम तमन्ना भाटिया है। हालांकि तमन्ना अपना सरनेम छुपाती नहीं है, लेकिन वो ज्यादा फेमस नहीं है और वो सिर्फ तमन्ना के नाम से ही ज्यादा जानी जाती हैं। रेखा का असली नाम भानु रेखा गणेशन है। रेखा ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री से एक्टिंग में डेब्यू किया था, जिसके बाद रेखा ने बॉलीवुड में डेब्यू किया। रेखा का नाम काफी ऑड था बॉलीवुड के मुताबिक, इसलिए रेखा ने भानु रेखा में से भानु हटा दिया और सिर्फ रेखा के नाम से करियर बनाया। असिन भी साउथ की एक एक्ट्रेस है। असिन का पूरा नाम असिन थोटुंकल है। असिन ने फिल्म गजनी से आमिर खान के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया था। असिन का भी सरनेम काफी टिपिकल है, इसलिए वो सिर्फ अपना शुरुआती नाम ही इस्तेमाल करती हैं। जितेंद्र बॉलीवुड के जंपिंग जैक। जितेंद्र का असली नाम रविवार कपूर है, लेकिन जितेंद्र ने बॉलीवुड के लिए अपना नाम बदला और साथ ही अपना सरनेम का भी इस्तेमाल कम किया, जिसके बाद वो सिर्फ जितेंद्र से ही फेमस हो गए। हालांकि जितेंद्र के बच्चे तुषार और एकता अपने नाम में कपूर जरूर जोड़ते हैं। तबू का असली नाम तबसुम हाशमी है। तब्बू का नाम भी काफी टिपिकल था, जिसको उन्होंने शॉर्ट कर दिया और तबसुम को तबू कर दिया। हालांकि बाद में वो सिर्फ तबू से ही फेमस होगी। शान बॉलीवुड के फेमस प्लेबैक सिंगर। शान का असली नाम शांतनु मुखर्जी है, लेकिन वो इंडस्ट्री में सिर्फ शान के नाम से जाने जाते हैं। शान को सिंगिंग करियर के मुताबिक शांतनु नाम थोड़ा अलग लगता था, जिसके बाद उन्होंने अपना नाम शॉर्ट करके शान रख लिया।